तो आपका पति रूपवान के साथ साथ गुणवान होना चाहिए, धनवान होना चाहिए, महान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। आपकी पत्नी भी रूपवती होने के साथ साथ गुणवती भी हो। और याद रखना, जिसमें गुण विशेष होते हैं, रूप कम सुंदर हो तो भी वो शोभा प्राप्त करता है। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, दो का एक रंग काग सब भय अपावन। पति पत्नी का संयम रहे, जैसे राम थे। देखिए रामायण में सब बात बता दी गई। राम के पास में सुपर्णखा आती है, लेकिन राम का मन फिसलता नहीं है। ऐसा पति होना चाहिए। आपकी जिंदगी की गलियों में कोई सुपर्णखा मिल जाए, फिर भी मन फिसले ना। नाक कान तो मत काटना, लेकिन मन नहीं फिसलना चाहिए। और सीता जी को रावण लेकर जाता है लंका में, और उसके महल में नहीं जाती है, अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे रहती है। और सीता का मन रावण की तरफ फिसलता नहीं है। नारी हो तो सीता जैसी हो, कहीं भी रहे अपने पति का ध्यान करती रहे। घर स्वर्ग बन जाएगा। और याद रखना, इस मन को कितना ही चंचल बना लो, ये चंचल होता चला जाएगा। और इसको अगर रोक लो तो ये रुक भी जाएगा। ये बड़ा प्यारा भगत है मन, ये ठगत भी है, भगत भी है। संभालने की कला आ जाए तो ये मन तुम्हारा मित्र है, संभाल ना पाओ तो इससे बड़ा दूसरा कोई शत्रु नहीं। सीधे बैठो, तुमको मालूम नहीं तुम टेढ़े हो जाते हो। बहुत अच्छा लगा पलारी में। ऐसा लगता है पलारी में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हो रहा वही हो रहा है। मैं बताता हूं वो हो रहा है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है, लगता पलारी गांव में घर घर त्योहार है, लगता पलारी गांव में घर घर त्योहार है। होली में ऐसे भी बेटियां आती हैं, बहनें आती हैं, लेकिन पलारी में होली के पहले ही दो दिन पहले सब बेटियां आ गई हैं, सबके घर मेहमानों से भरे हुए। लगता पलारी गांव में घर घर त्योहार है, घर घर बाहर है, घर घर त्योहार है। बहुत बड़ी बात है। जिंदगी की महत्व को समझना। तो दुखों से छूटना चाहते हो, कृष्ण कहते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु, प्रत्येक कर्म यथा योग्य कीजिए। यथा योग्य कर्म शब्द बड़ा सूझबूझ से चुना गया। यथा योग्य किस स्थान पे कैसा कर्म करना, किस उम्र में क्या कर्म करना है, और किस टाइम क्या कर्म करना चाहिए। अब जैसे दोपहर में मंजन व्रत करने बैठो तो शोभा नहीं देता है, वो सवेरे सवेरे करो। कितने लोग कहते हैं पहले हम भोजन कर लेते उसके बाद मंजन व्रत करते। तुमने कहा अरे ऐसा उल्टा करते, बोले फिर पूरी धुलाई हो जाती है, बाद को कचरा नहीं रह जाता। ऐसा नहीं करना है। कौन सा कर्म किस टाइम होना चाहिए। जिसे विवाह कर्म है, या 13 साल की उम्र से लेकर 20 साल 22-25 साल तक कर लो, ठीक है, लेकिन 85 साल में विवाह करो तो उल्टा है फिर ये बात। और ये तो कुछ लोग हिम्मत जुटाते भी हैं, संन्यास भी लेना है तो संन्यास लेना है तो बस 15 साल की उम्र से लेकर के 30 साल की उम्र तक ले लो। उसके बाद यदि संन्यास लेते हो तो थोड़ा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि साधु संतों में आपका प्रभाव नहीं है और आपने इतनी कमाई कर नहीं सके साधना की,
तो आपकी वृद्धावस्था में सेवा की समस्या खड़ी हो जाएगी। वो घर से निकल गए तो घर वाले तो सोचते हैं चलो हमारा पिंड छूट गया, और फिर घर में आओ तो वे सोचते फिर मेरे माथे पड़ गए। संन्यास की उम्र है। और ये भी याद रखना, शिक्षा प्राप्त करने की भी उम्र है, कुछ सीखने की। सीखना है तो पढ़ना है, कोई विद्या का अध्ययन करना है तो आप 4 साल की उम्र से शुरू करिए, 30 साल तक बस जो कर लोगे, उसके आगे तो बहुत मुश्किल है, समस्याएं बहुत। धन कमाने की उम्र जवानी है, भक्ति करने की उम्र भी जवानी है, और धर्म का प्रचार प्रसार करने की उम्र भी जवानी है। अभी मैंने यहां के भक्तों से पूछा कितने गांव में प्रचार किया, बोले 150 गांव में अनाउंस करवाया। 150 गांव, बहुत बड़ी बात है। ये तो होली का उत्सव है तब इतने लोग हैं, अगर होली का समय ना होता तो इस फील्ड में समा नहीं सकते थे लोग। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाओं बोधस्य योगो भवत दुखा। और छोटा सा कर्म बड़ा सा फल लेकर आता है। सुबह सुबह वीरबल अकबर बादशाह के साथ में घूमने जा रहे थे, छोटी बेगम जोधाबाई भी थी। अकबर बादशाह ने कहा कि वीरबल सबसे आगे जोधाबाई चलेगी, बीच में तुम रहोगे, पीछे मैं रहूंगा। वीरबल ने कहा बादशाह शोभा नहीं देता, आगे आप चलें पीछे हम लोग चलेंगे। बोले नहीं, तुम पीछे चलोगे मैं कैसे देखूंगा तुम ठीक चलते कि नहीं ठीक चलते, इसलिए आगे चलो मैं पीछे से देखता भी रहूंगा। अकबर बादशाह बड़ा चालाक था। बीरबल बीच में है, सबसे आगे जोधाबाई छोटी बहन है, छोटी बेगम है। बीरबल की पीठ में चिमट दिया जोर से अकबर बादशाह ने। चिमटना बोलते ना, खाल पकड़ के ऐंठ देना, क्या बोलते हैं है? चिमट दी, चिकोटी काट दी। बीरबल ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि बादशाह ये क्या कर रहे हो। बीरबल पीछे मत मुड़ो, आगे देखो, चलते रहो, बढ़ते चलो। बहुत बहुत। बीरबल ने कहा कि मैं भी आगे बढ़ता हूं और आपकी चिकोटी को भी आगे बढ़ा देता हूं। चिमट दिया है ना, चिमट को आगे बढ़ाता हूं। तो बीरबल ने छोटी बेगम जोधाबाई की पीठ में चिमट दिया जोर से। छोटी बेगम सह ना सकी, वो पीछे मुड़ी और बीरबल के गाल पर जोर से तमाचा जड़ दिया। बीरबल ने कबीर का दोहा याद किया कि दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न पड़े। आगे बेगम का पाठ है, पीछे बादशाह का पाठ है, बीच में बीरबल जो है पिसा जा रहा है। पीछे से चिमट रहा है बादशाह और आगे से थप्पड़ आ रहा, क्या करूं। तो बीरबल ने कहा कि कोई बात नहीं, जो पीछे से मिला वो आगे वाले को दे दिया और जो आगे से मिला वो पीछे वाले को दे देता हूं। अपने पास रखना ठीक भी नहीं, उदारता रखनी चाहिए, जो मिलता है देते जाओ। तो बीरबल पीछे मुड़ा और खींचकर जोर से तमाचा बादशाह अकबर के गाल पर जड़ दिया। अकबर के गाल पर कभी तमाचा लगा नहीं था, इतना जोर से तमाचा लगा। तो अकबर ने कहा कि बीरबल नौकरी करनी है कि बाहर निकल जाना। बोले जाने दो भाड़ में नौकरी। हाँ। और बीरबल हंसा जोर से और उसने फिर अकबर बादशाह से कहा कि दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, बहुत कठिन है। तो बीरबल ने अकबर बादशाह को समझाया कि तुमने मेरी पीठ में चिमट दिया था, आपकी चिमटी को मैंने आगे भेजा बेगम के पास और बेगम ने उसका जो उत्तर दिया वो तमाचा था वो आपको वापस दे दिया। आपने जो लेटर भेजा था उसका जवाब तमाचा में आ जाता। ये छोटा सा कर्म बड़ा सा फल लेकर आ जाता है, इसलिए कर्म करने में सावधान। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खा।
प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करही सुत से फल चाखा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करही सुत से फल चाखा। कर्मों की प्रधानता है जीवन में, कर्म से भाग्य बनता है। पांच चीजों से आपका भाग्य बनता है। नंबर एक कर्म, नंबर दो स्वभाव, नंबर तीन वाणी, नंबर चार चरित्र और नंबर पांच व्यवहार। यदि तुम चाहते हो मेरा भाग्य उज्जवल हो तो सबसे पहले अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, दूसरा वाणी पर ध्यान दीजिए, बोलने की कला, कहां चुप रहना ठीक कहां बोलना ठीक। चुप रहने में भी सफलता का राज छिपा होता है और बोलने में सफलता का द्वार खुल जाता है। मनमोहन सिंह चुप रहे 10 साल, प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे रहे चुप रह करके, और मोदी जी बोलते रहे खूब तो प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंच गए। याद रखना, कभी चुप्पी में सफलता होती है और कभी बोलने में भी सफलता होती है। आपको पहचानना है कि अवसर क्या है। तीसरी चीज है आपका स्वभाव। स्वभाव बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वभाव सुधारने में पैसे तो नहीं खर्च होते हैं लेकिन स्वभाव का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर का स्वभाव अच्छा है तो मरीज ज्यादा आएंगे, साधु का स्वभाव अच्छा है तो भक्त ज्यादा आएंगे, वक्ता का स्वभाव अच्छा है तो श्रोता ज्यादा आएंगे, नेता का स्वभाव अच्छा है तो वोट ज्यादा मिलेगी, विधायक का स्वभाव अच्छा है तो मंत्री बनने के चांसेस ज्यादा है। स्वभाव, राम का स्वभाव अच्छा था इसलिए उनका प्रभाव अच्छा था, रावण का स्वभाव अच्छा नहीं था। और जिसके स्वभाव में अहंकार है, ईर्ष्या है, उसका स्वभाव बिगड़ेगा। जिसके स्वभाव में नम्रता है, सरलता है, प्रेम है, उसका स्वभाव चुंबक की तरह काम करेगा। और स्वभाव को बदलने में तुम पूरे सक्षम हो। फिर चौथी चीज आती है चरित्र। चरित्र का प्रभाव बहुत होता है और चरित्र के अंतर्गत बहुत सारी बातें आती है। ईमानदारी भी चरित्र का एक हिस्सा है और चरित्रवान व्यक्ति जहां रहता है वहां अलग चमकता है। चरित्रवान बनो। पांचवी चीज है आपका व्यवहार कैसा है लोगों से। व्यवहार कुछ कमाया है कि नहीं कमाया है। जिनकी व्यवहार में मधुरता है, व्यवहार में शालीनता है, सभ्यता है, शिष्टता है, भद्रता है, वे लोग भाग्य को चमकाते हैं। तुम गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, लेकिन इन पांच चीजों पर ध्यान दीजिए। आपकी वाणी बिगड़ने न पाए, स्वभाव चिड़चिड़ा न होने पाए। कई बार देखा जाता है कुछ उम्र बढ़ने के बाद आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ज्यादातर महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती है और जितना चिड़चिड़ाओगे उतना ज्यादा अशांति होती चली जाएगी। चिड़चिड़ाइए मत। कितने लोग तो पागल हो गए चिड़चिड़ाते चिड़चिड़ाते। जिनको समझा रहे हैं वो चले गए खेत में और फिर भी बोलते चले जा रहे हैं घर में। पागलपन आ गया। और चिड़चिड़ा स्वभाव आपके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ेगा, आपके चेहरे की भाव भंगिमाओं को भी बिगाड़ेगा, आपकी प्रसन्नता को भी छीन लेगा और आपके मुखमंडल की सुंदरता को भी खत्म करेगा। ये चिड़चिड़ा स्वभाव, सुंदर स्वभाव आपको सुंदरता प्रदान करता है। स्वभाव को बदलिए। और याद रखना कि कर्म करने में तुम स्वतंत्र जरूर हो लेकिन कर्म करने के बाद फल भोगने में परतंत्र हो।
संभल संभल के कर्म कीजिए। आज का कर्म कल का भाग्य बनता है, सुबह का कर्म शाम को भाग्य बनकर आ जाता है, बचपन का कर्म जवानी में भाग्य बनकर मिलता है, जवानी का कर्म बुढ़ापे में फल लेकर के आ जाता है। इस जन्म का कर्म अगले जन्म में भाग्य बन, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो कबीर साहब कहते हैं, परिहर सांच झूठ निज धावे, सच्चे सुख को छोड़कर, आत्म सुख को छोड़कर इन झूठे विषयों के सुखों के पीछे तुम दौड़ते हो। ये बीड़ी में क्या सुख है, सिगरेट में क्या सुख है, कोई सुख नहीं है। लेकिन आत्म शांति को सुख को छोड़कर के तुम बीड़ी के सुख पीछे ढूंढ रहे हो और बीड़ी का धुआं मुंह से खींचकर नाक से फेंक रहे हो, इसमें क्या सुख है। गुड़ा खूब घिसते रहते हो सुबह से लेकर शाम तक, कितने पति पत्नी दोनों आमने सामने बैठकर कंपटीशन पर गुड़ा खूब घिसते, दो दो डिबिया घिस डालते और ज्ञान की बातें बहुत ऊंची करते, आत्मा परमात्मा से नीचे तो बात ही नहीं करते। तो उनसे पूछो गुड़ा खूब क्यों घिसते हो, बोले इसको घिसने के बाद ही आत्म ज्ञान खुलता। कितने पारक सिद्धांत की आत्म ज्ञान की खूब चर्चा करते हैं, फिर आड़ में बैठ के सिगरेट पीते हैं। तो पूछो ये क्यों पीते, बोले फिल्टर सिगरेट है, सब ज्ञान छन जाता, धुआं भी छन जाता। आत्म ज्ञान जिसको हो जाता है उसमें कोई नशा व्यसन की आदत नहीं रह जाती है। जिसको आत्म बोध हो गया तो सारा मैल धुल जाता है, निर्मल चादर हो जाता है। अनल ज्योत डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। जैसे दीपक जलता है, दीपक की ज्योति, तो पतंगे आकर के उसमें घुस पड़ते हैं और जलकर खाक हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य भी रूप विषय में आसक्त होकर के अपनी जिंदगी को तहस नहस करता है। ये रूप विषय कोई छोटा मोटा विषय नहीं, और रूप विषय में जो आकर्षित होता है वो अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे करेगा, और जिसको स्वरूप का बोध हो जाएगा वो रूप विषय में आकर्षित कैसे होगा। तुम्हारा स्वरूप अजर अमर अविनाशी तुम आत्मा हो, शरीर के नाश होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होता है। और याद रखना, अनल ज्योत डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। करो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा कीर सकत। कबीर साहब कहते हैं, विचारवान बनो तो सभी दुख तुम्हारे दूर होंगे। हर चीज में विवेक कर लिया करो, विचार करो। आपकी पत्नी यदि तुमको सताती है लेकिन भोजन टाइम पर देती है, जब तक तुम खाते नहीं हो तब तक खाती नहीं लेकिन डांटती बहुत है, तो आप फिर भी याद करना, विचार कर लेना कि महाराजा दशरथ की पत्नी कैकेयी से मेरी पत्नी अच्छी है, कम से कम मेरे को परलोक नहीं भेज रही, इस लोक में जिंदा तो रखे है, उनकी पत्नी ने तो जिद करके परलोक भेज दिया था। ऐसा विचार करोगे दुख हल्का हो जाएगा। आपका बेटा यदि हट करता है कहना कब मानता है, तो ये सोच लेना कम से कम उग्रसेन के बेटे कंस से मेरा बेटा अच्छा है, उग्रसेन के बेटे कंस ने अपने बाप को जेल में डाल दिया था, मेरा बेटा कम से कम घर में रहने तो देता है, कोई बात नहीं है, कम बात मानता है, चलेगा। ऐसा विचार कर ले। हर चीज में विचार करने की कला सीखो तो आपकी जिंदगी में सुख का संचार हो जाएगा। करो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा कीर सगाई। और जो झूठे सुखों के साथ में तुमने सगाई किया, एंगेजमेंट किया है, उसको परिहर माने परित्याग कीजिए और सच्चे सुख आत्मा के सुख को समझिए और अध्यात्म के सागर में गोता लगाइए, तो आपकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण निरय लाई। लालच करते करते पूरी जिंदगी समापन पर चली गई और जरा मरण निरय लाई। ये बुढ़ापा और मरने का वक्त नजदीक आ गया, अब मरे कम मरे, लेकिन अंदर का लालच और मोह खत्म नहीं हुआ। कबीर साहब कहते हैं, चिता में जलने से पहले चिंता छोड़ दीजिए, अंत्येष्टि होने से पहले, अंत होने से पहले, अंत्येष्टि संस्कार होने से पहले अपने सब कुकर्मों की भी अंत्येष्टि कर डालिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। भरम का बांधा ये जग यही विधि आवे जाए, मानस जन्म पाई के नर काहे को झाड़ाए। कबीर साहब कहते, सारे संसार में भरम बहुत बढ़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी ढकोसला बहुत है, भरम तो नहीं टोनहा का यहाँ बहुत चलता है। जो लेडीज थोड़ा बाल खुला रखे
धोती न ढाके फोहड़ बनकर घूमे तो लोग कहते ये तो नहीं है, तो नहीं वो नहीं नहीं है, टोना तो नहीं क्या होता, कुछ नहीं है। कोई नींबू का टुकड़ा काट करके लाल रंग लगाकर धागा लपेट कर तुम्हारे द्वार पर डालकर चला गया, रात में तुमको भरम हो गया कि अब कोई खतरा हो जाएगा। अगर इसी नींबू पर कोई मंत्र पढ़ा गया है या कुछ ऐसी ताकत है इसमें, तो पूरे हिंदुस्तान के नींबू मंगाकर काटकर लाल रंग लगाकर धागा लपेटकर मंत्र पढ़कर पाकिस्तान तरफ फेंक दिया जाए तो सारे आतंकवादी समाप्त हो जाएं, इसमें क्या खतरा है। रोज नींबू निचोड़ करके खटाई अचार बनाकर खाते हो तो कोई खतरा नहीं, हो गेट पर पड़ा तो बड़ा खतरा हो गया। ये भरम, यही भरम है। तुम किसी काम से जा रहे थे, किसी ने छींक दिया, तुमने सोचा काम बिगड़ जाएगा, और छींका है उसको सर्दी जुखाम होने वाला, इसलिए छींका है, तुम्हारा काम थोड़े बिगड़ेगा, उसका तबीयत बिगड़ने वाला, तुमसे क्या मतलब। बिल्ली सड़क से इधर से उधर निकल गई, तुमने कहा मेरा रास्ता काट गई बिल्ली, काम बिगड़ जाएगा। लेकिन बिल्ली से पूछो तुम्हारे जैसे कितने आदमियों ने रास्ता बिल्ली का काटा तो बिल्ली कितना काम बिगड़ा होगा। ये सब भ्रम है। तुम कहते हो कि मछली देखने से शुभ होता है, तो कितने लोगों ने तो अपने घर ही में मछली डिब्बे में रखी है, रोज देखते रहते हैं, देखते हैं मछली और रहते हैं मगरमच्छ जैसे, आपस में ही गुर्राते रहते। कितने लोग मछलियां पकड़ करके परात के पानी में रख करके एग्जाम जब होता है तो स्कूल के गेट पर रख देते हैं, सभी विद्यार्थी मछली का दर्शन करके जाते हैं, विश्वास रहता कि सब फर्स्ट पास होंगे, आधे से ज्यादा फेल हो जाते हैं, ये जबरदस्ती मछली पकड़ कर देख रहे हो। कई बार लोग सोचते हैं कि गाय अगर दूध पिला रही हो उस समय निकलो, अगर सन्मुख धेन पिया वही बाछा, यह सगुन है सबसे अच्छा, तो समझ लो काम सफल हो जाएगा। क्या सफल होगा? गाय जो बछड़े को दूध पिला रही उसको देखने से तुम्हारा क्या काम सफल होने वाला है? वो गाय जो दूध पिला रही उसको तो पैरा भूसा ही खाने को मिलता है, बछड़ों को जो है खूंटम बंधने को मिलता है, और उसको देखने से तुम भी किसी खूंटम बंध जाओगे, और क्या मिलने वाला है उससे, कौन सकुन होने वाला है। ये सब भ्रम है, कबीर साहब कहते हैं। लोग कहते हैं साढ़े साती शनि लगा हुआ है, बड़ा खतरा होने वाला है। कैसा शनि? साढ़े साती शनि, साती शनि हो आठी शनि हो, टुकड़ा कहां से आ गया साढ़े साती? और शनि तो देवता है, वो किसी को लग कर सताएगा क्यों? सताता है तो देवता नहीं हो, देवता है तो सताता नहीं है, और सताता है तो ये कैसा साढ़े साती शनि है? और शनि है तो रहता कहां है? तो डब्बा में शनि को लेकर लोग घूमते रहते हैं, उसमें सरसों का तेल डाल देते हैं और लोहे का टुकड़ा टेढ़ा मेढ़ा काट करके डुबा देते हैं और कहते हैं शनि देवता है, इसमें कुछ दीजिए। राजस्थान उदयपुर शहर में मैं गया तो वहाँ कुछ लोग डब्बा में शनि देवता को लेकर घूम रहे थे, मैंने बोला इधर लाओ, थोड़ा खाली था, गाड़ी खड़ी थी, मैंने कहा दिखाओ शनि कैसे है, तो टांग पकड़ करके लोहे टेढ़ा मेढ़ा निकाला, कहा ये शनि देवता है। तो मैंने कहा तेल में क्यों डाला है, तो डूब के मर जाएंगे, सांस कैसे लेंगे? अरे बोले तेल में नहीं डालूंगा तो मूर्छा खा जाएगा, जंग लग जाएगी, तो लोहे का टुकड़ा है गुरुजी। तो हमने कहा तो तुम्हें कोई दान वान देता? बोले इसी डिब्बे में डाल देते। हमने कहा तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम एक दान डब्बा छोटा सा अलग रखो, क्योंकि ऐसे एक रुपया आदमी डालेगा लोहे का तेल में, और जब डब्बा अलग रखोगे तो उसमें कोई 10 का नोट भी डाल देगा, कोई 50 का भी डाल देगा। बोले ये तो कोई बताया नहीं। मैंने कहा मैं बताता हूँ, इतना बड़ा डिब्बा लेकर चलो। तो वो हंस रहा था, मैंने कहा देखो मैं तेल डिब्बम तो नहीं डालूंगा, लेकिन तुम फल देता हूँ मेरे पास से, खिलाता हूँ तुमको, चार पांच से भीख मांगे, शनि देवता को लेकर भीख मांग रहे हैं, हमारे देवता की भी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर देवता के प्रति भक्ति है तो भीख कैसे मांग सकते हो? और भीख मांगते हो इसका मतलब देवता तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता है, और सच्चा है तो भिखमंगा नहीं तुम हो सकते हो, और भिखमंगे बने हो इसका मतलब देवता झूठा लिए घूम रहे हो, ये कैसा देवता तुम्हारा? और फिर देवता है तो सताएगा क्यों? दूसरे को दुख थोड़े देगा। भूत प्रेत की मान्यता भी भ्रम ही है, भूत प्रेत कहां होते हैं? भूत प्रेत से बचने के लिए हनुमान चालीसा बना दी गई, सारी व्यवस्था हिंदू धर्म में कर दी गई। एक आदमी बचपन में मैंने देखा हनुमान चालीसा बड़ी स्पीड से पढ़ रहा था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक जागर, रामदूत अलतु वलधामा, मंजन पुत्र पवन सुतनामा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो हमने कहा इतना स्पीड से क्यों पढ़ते हो? तो बोले स्पीड से इसलिए पढ़ता हूं, बीच में अगर जगह रह जाएगी पढ़ने में गैपिंग होगी, उसे भूत घुस पड़ेगा। कमाल कर दिया। भूत कहते हैं बीते हुए, जैसे कोई सरपंच था और हार गया चुनाव तो भूतपूर्व हो गया, भूत का मतलब वो भूत प्रेत थोड़े हो गए, भूतपूर्व है वो। कोई स्त्री चुड़ैल थोड़े हो जाती मर करके, ना वो तो जिंदा में ही जो चुड़ैल है वही रहती है।
मरने के बाद छोड़ेल कोई नहीं, जिंदा में ही कुछ पुरुष भी भूत जैसे रहते हैं, ऊट पटांग काम करते हैं, भूत ही है। और कितनी स्त्रियां चुड़ैल है, जिसको लग गई फिर छोड़ेगी नहीं, पूरा पैर के कोल्हों में तुमको रगड़ देगी चुड़ैल की तरह, किच 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 की, टिल 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 टिल, गली गलौज, हल्लम गुल्लम ये चुड़ैलपना है। और कहां से चुड़ैल आती है, ये सब भ्रम है। इसको कबीर साहब कहते हैं, भ्रम का बांधा ये जग यही विधि आवे जाए, मानुष जन्म पाए कि नर काहे को झड़ाए। इस मनुष्य जीवन को पा करके ही मनुष्य क्यों अज्ञानता में तो जकड़ा हुआ है, क्यों भ्रम में पड़ा हुआ है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए गुरु की भक्ति कर ले और सत्संग की गंगा में डुबकी लगा ले। ये शरीर तो नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है, और ये आत्मा कभी पशु का शरीर धारण करती, कभी चिड़िया का शरीर, और कभी कीड़े मकोड़े का शरीर, और कभी मनुष्य का शरीर। मनुष्य के शरीर में कर्म भी कर सकते हो, कर्मों का भोग भी भोग सकते हो, और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। तीन व्यवस्थाएं यहाँ है। पशु पक्षी की योनि में केवल आप मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल ही भोग सकते हो, न वह मोक्ष कर सकते हो, न नए कर्म कर सकते हो। इसलिए मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आइए दो मिनट गाइए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समारा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते विष सठ लेही, पलटी सुधाते विष सठ लेही। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो आज कबीर साहेब की रमणी का अर्थ पूरा पूरा मैंने सुनाया है, और व्याख्या में कुछ और सदग्रंथों की बातें उदाहरण के रूप में दी गई हैं। आप लोग महान हो, जीवन को धन्य बनाना। होली के उत्सव के उपलक्ष्य में धार्मिक पुस्तक की दुकान से कुछ धार्मिक ग्रंथ खरीद लेना, जो कि अपने रिश्तेदारों को होली के उपलक्ष्य में गिफ्ट रूप में दे देना। छोटी छोटी पुस्तकें जैसे सुख की खोज, बरसे कंबल भीजे पानी, जैसे उन्नति के पथ, जिंदगी जिए तो कैसे, जीने की राह, भजनावली आदि आदि। और आपके घर में हीरो हीरोइन के चित्र, गधे घोड़े के चित्र मत लगाना, माता पिता का चित्र लगाइए, या तो पति पत्नी अपना भी चित्र लगा सकते हो, लेकिन अपने कम लगाइए, ज़्यादा नहीं, एक लगा लो अपने बेडरूम में। और या तो अपने घर में कोई संत महान पुरुष का चित्र लगाओ, देशभक्तों का चित्र लगाओ, जो चरित्रवान लोग हैं उनका चित्र लगाकर दर्शन करो, तो तुम्हारा चरित्र भी सुंदर बनेगा। ऐसे चित्रों का प्रभाव चरित्रों के ऊपर पड़ता है। और सज्जनों देवियों, आपका जीवन मंगलमय होगा।